जैसा कि आप सबको पता है, प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज नथिंग लेस देन अ बैटलफील्ड। डेडिकेशन, फोकस, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और जाने क्या क्या लग जाता है। तो आज हम करने वाले एक पेंट बॉल चैलेंज, जहाँ सिर्फ इनकी मेडिकल स्किल्स नहीं बल्कि स्ट्रेटजी और सर्वाइवल स्किल्स भी टेस्ट होगी, बिकॉज दिस इज ट्रूली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो लेट्स मीट आवर टीम्स। ब्लू टीम से है सानिका, अर्पित और आशुतोष। रेड टीम से है कुंज, प्राची और जशन। वेलकम टू अन अकेडमी एक्सट्रीम पेंट बॉल चैलेंज। सो आर यू गाइस बैटल रेडी? यस। ऑसम। आज के चैलेंज में होंगे तीन एक्शन पैक्ड राउंड्स, जिसमें हम खेलेंगे पेंट बॉल और साथ ही साथ टेस्ट होगी आपकी मेडिकल नॉलेज। और राउंड वन का नाम है द सर्जिकल स्ट्राइक। और आपका पहला टारगेट है गाड़ी में बैठा एक आदमी। अरे अरे टेंशन मत लो, एक पुतला है जो गाड़ी में बैठा है और आपको बस उसको एम करना है, टारगेट करना है उसके वाइटल ऑर्गन्स पे, जैसे ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट। जितना आप क्लोज मारोगे उसके वाइटल ऑर्गन्स के उतने ज्यादा पॉइंट, जितना आप दूर मारोगे उतने कम पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन पे मारोगे तो 100 पॉइंट्स, हार्ट के लिए 90, लंग्स के लिए 80, लिवर के लिए 50, शोल्डर के लिए 20 और लिम्स के लिए 10। पर इस टास्क में सिर्फ आप उस पुतले को मार के पॉइंट्स नहीं कमा सकते, बल्कि एक दूसरे को मार के भी पॉइंट्स ले सकते हो, वो भी 10-10 पॉइंट एक दूसरे को मार के। इस पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको मिलेंगे 5 मिनट और राउंड के एंड में एक दूसरे पे जो हिट्स लगे वो और जो पुतले पे लगे सबका टोटल होगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो इस राउंड का विनर होगा। लेट्स गेट अप देन। यस। आगे जाओ। अरे आउट हूँ भाई। So that was fun. Yeah. Yes. पर सब लोग थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे? काफी इजी है ना? थोड़ी स्टेक्स बढ़ाए? मतलब आर नेक्स्ट राउंड ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन। अबे नाम तो कूल ले लिया, क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट? इसके लिए हमारे लर्नर्स से मिलते हैं ना, ब्लू टीम से प्रियांश और रेड टीम से निष्ठा। अरे बचाना है उनको। तो इस राउंड में दोनों लर्नर्स ओपोनेंट टीम के बेस कैंप में होंगे कैप्टिव और दोनों टीम्स को एक एक करके चांस मिलेगा इन लर्नर्स को एक्सट्रैक्ट करके लाने का, वो भी सेफली। सेफली? ऐसा क्या होने वाला है इनके साथ? पहले होगा ये कि ब्लू टीम करेगी अटैक और रेड टीम करेगी डिफेंड। ब्लू टीम को अपने लर्नर तक पहुंचना है वाइल एलिमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ द रेड टीम और रेड टीम को इन्हें एलिमिनेट करना है जिसके पहले कि वो अपने लर्नर तक पहुंच सके। इस बीच किसी भी प्लेयर को अगर 3 हिट्स लगे तो वो हो जाता है एलिमिनेट और इस सब का ट्रैक रख रहे हैं हमारे गेम के रेफरी। पर एक सेकंड, ऐसे तो डिफेंडिंग टीम को सारा एडवांटेज है ना, वो छुप के बैठे रहेंगे और सारे रिस्क तो अटैकिंग टीम को लेने, वो लोग आगे आएंगे मर जाएंगे और सारे लर्नर्स को बैठे रहना पड़ेगा बंदे। भाई, इस डिसएडवांटेज को फेयर बनाने के लिए हम अटैकिंग टीम को देंगे 100 पैलेट्स और डिफेंडिंग टीम को सिर्फ 50 पैलेट्स देंगे। और जैसा मैंने कहा था, इतना सिंपल भी नहीं है। अगर अटैकिंग टीम अपने लर्नर तक पहुंच भी जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे ऐसे ही बचा लेंगे। उस बेचारे कैप्टिव लर्नर के पास होंगे 3 नीट के क्वेश्चन और पूरे टीम को मिलके उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। और अगर आंसर गलत हुआ तो उसी लर्नर को पड़ेंगे हर गलत आंसर के 2 पैलेट्स। पर ये फेयर कैसे है? मतलब गलती करे ये और मार खाए वो? अरे तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर यार। लेकिन फेयर करने के लिए हम अन अकेडमी के एजुकेटर्स को बुला सकते हैं।
सो प्लीज वेलकम चानी मैम एंड अनमोल सर. ऑल्सो चानी मैम और अनमोल सर के नीट एल्केमी चैनल पे फ्री सेशन स्टार्ट हो चुके हैं जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू मैम, आप आ गए, हमको प्लीज बचा लेना इससे. टेंशन की बात नहीं है, टीम ब्लू का रिकॉर्ड है जीतने का, सबको पता है. नहीं नहीं, जीतेगी टीम रेड, जीतेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं. इस बार टीम रेड जीतेगी, रिकॉर्ड टूटने वाला है, देख लेंगे. इतना खुश मत हो गाइस, पता है आपको एजुकेटर सिर्फ एक ही बार हेल्प कर सकते हैं, भले ही क्वेश्चंस तीन हो. नहीं तो भी हमारी टीम रेड जीतेगी, कॉन्फिडेंस है यार. टीम रिकॉर्ड तो ब्लू का है. देखो अच्छा, तुझे नीट का आता है, मेडिकल कॉमर्स स्टूडेंट को मेडिकल आता है. मेडिसिन बहुत आसान है, सिखा देंगे, बन जाएगा. तो चलो उसका डिसीजन करते हैं राउंड में. लेट्स गो, लेट्स गो. अटैक करना है, अटैक. ओ भाई साहब, मैं ही खा रहा हूं गोली. आओ टू ओके ग्रेट एवरीवन सर. ओके फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ठीक, वेरी गुड, थैंक यू. फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन रिक्वायर्स फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस वॉल. ट्रू. ओके, फॉर अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अप्रोप्रिएट. ए हाई वोल्टेज लो प्रेशर, बी लो वोल्टेज लो प्रेशर, सी हाई वोल्टेज हाई प्रेशर, डी हाई वोल्टेज लो प्रेशर. Okay, okay. What do you understand about ischemia? A. Restriction of blood supply to the tissue. B. Overflow of blood to the tissue. C. Inadequate deoxygenated blood carrying veins. D. The medical term used by doctors for shortness of breath. Option A. Yes. All correct. No. Well done, guys. मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी तुमको. चलो. अब जीतना है. बहुत बढ़िया. चलो. Finally, we made it. Finally. बस ये तीन क्वेश्चंस आंसर करना है यार, फिर मैं छूट जाऊंगी. आज छुड़वा दे आज को. टेंशन मत ले, मैं हेल्प करूंगा आपकी. ओके. कर लेंगे हम लोग मिलके. एकदम जितना है. चलो. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन ए 1838 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन बी 1/1838 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन सी 1832 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. एंड ऑप्शन डी 1/1832 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आई विल गो विद ऑप्शन ए. करेक्ट यार. चलो और दो क्वेश्चन है. ओके, सेकंड क्वेश्चन. हां हां हो जाएंगे. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया? ऑप्शन ए सेल इलोंगेशन, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी डीएनए ड्यूप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी स्पिंडल फॉर्मेशन. ये तो होगा, एक बार ऑप्शन बता दीजिए. ऑप्शन ए सेल इलोंगेशन, ऑप्शन बी साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन सी डीएनए ड्यूप्लीकेशन एंड ऑप्शन डी स्पिंडल फॉर्मेशन. स्पिंडल फॉर्मेशन डी. करेक्ट. एक और क्वेश्चन है, बस आजाद. थर्ड क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द कोरोनरी आर्टरी? ऑप्शन ए टू सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स, ऑप्शन बी टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट मसल्स, ऑप्शन सी टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. आई विल गो विद सी. एक मिनट, कंफर्म हो हार्ट कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन? आपके पास एक लाइफलाइन है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इसमें.
या अगर आप कॉन्फिडेंट हो आप जा सकते हो, वरना आई कैन हेल्प। आपने तीन क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, अगर एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा ये फंस जाएंगे। आप एक बार ऑप्शन बता दीजिए और क्वेश्चन भी रीड कर लीजिए वापस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ द कॉरोनरी आर्टरी? ऑप्शन ए टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ऑप्शन बी टू कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट मसल्स, वेन्स का फंक्शन होगा, ऑप्शन सी बी आएगा ऑब्वियसली। माय बैड, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर कॉरोनरी आर्टरी, कॉरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन पूछा है तो ऑब्वियसली वही रहेगा फंक्शन। क्या लग रहा है ऑप्शन में क्या है, करेक्ट क्या है? आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो? क्या लगता है आंसर क्या होगा? कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन पूछा है। ओके, एक तो हार्ट को मसल्स को सप्लाई करना तो आर्टरी का ही फंक्शन है, वेन का फंक्शन ब्लड हार्ट से लेके जाना है तो ऑब्वियसली वो तो नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, ए ही है। करेक्ट, यस, चलो वी वन इट, वी वन इट फाइनली। यस, ओह दैट वाज इंटेंस भाई, मजा तो बहुत आया बट यार थोड़ा और इंटेंसिटी बढ़ाएं, बहुत हो गया कैप्टिव वैप्टिव, थोड़ा एक्चुअल फुल ऑन वॉर करते हैं। ले हो गई तेरी विश पूरी, अब बारी है हमारे फाइनल राउंड की। सो गाइस, ये होगा हमारा फाइनल राउंड। इस राउंड का नाम है बायोहैजर्ड ब्रीच। इस राउंड में हमारी फैसिलिटी में हुई है एक बहुत ही मैसिव बायोहैजर्डस गैस लीक, और जो भी टीम सबसे पहले उस गैस लीक तक पहुंचेगी, डिसेबल करेगी और वापस अपने बेस कैंप तक लाएगी, वो होगा आपका टास्क। तो गाइस ये भी एक पॉइंट्स बेस्ड राउंड है, जब तक आप गैस लीक तक पहुंचोगे, मेन गैस लीक तक, आपको रास्ते में बहुत सारे बायोहैजर्डस मटेरियल्स मिलेंगे, आपको उन मटेरियल्स को कलेक्ट करके बैग में भरना है और हर मटेरियल के आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और मेन गैस लीक के पहुंचने के 50 पॉइंट्स, तो दोनों टीम में से जिसने भी ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट किए वो होगा विनर। तो गाइस फाइनल राउंड, आर यू गाइस रेडी? यस। कंपटीशन बहुत ही इंटेंस हो रहा है, और अगर आप भी लीड 2025 और 2026 के लिए इंटेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी लाया टारगेट 2025 का इंक्लूस बैच जो शुरू हो रहा है 5 अप्रैल को, और टारगेट 2026 के लिए अर्ली आरंभ बैच जो शुरू हो चुका है 20th मार्च को, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। Guys, guys, attack, attack! Left side to run, eh? Okay? तो गाइज एक बहुत ही इंटेंस बैटल आज पूरा दिन हमने यहाँ घिस दिया, और उसके बाद रिजल्ट्स आ चुके हैं। राउंड वन यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक में टीम ब्लू ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल डैमेज दिया है डमी को, और साथ ही साथ रेड टीम के दो प्लेयर्स को भी शूट डाउन किया है। बॉयज प्लेड वेरी वेल यार, ऐसा मत बोलो यार। लेकिन 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 रेड टीम एक भी दूसरे प्लेयर को ब्लू टीम के जख्मी नहीं कर पाया, सो क्लियरली राउंड वन गोज टू अस ब्लू टीम। राउंड टू यानी ऑपरेशन एक्सट्रैक्शन में दोनों टीम्स अपने एनिमी के एरिया में इन्फिल्ट्रेट कर पाए, सो वेल डन दोनों टीम्स को। बट उसके साथ साथ लर्नर्स ने भी तीनों क्वेश्चन के आंसर भी दे दिए, बट एनिमी के कैंप तक जाते हुए रेड टीम के तीन लोग शहीद हो गए और ब्लू टीम के सारे ही पहुंच गए थे। नहीं, बुलेट जैकेट है उनके पास, हमारे पास नहीं है। अरे आपकी अलग है, नहीं है, सिर्फ कॉस्ट्यूम है। तो ये वाला भी ब्लू टीम ने ही जीता, बाकी तू बोल कितना दुखी होके बोल रहा है, देखो कोई नहीं कोई नहीं। एंड राउंड 3 बायोहैजर्ड ब्रीच में फिर से हुआ एक बहुत ही इंटेंस मुकाबला, बट
फाइनली इसमें भी रेड टीम ने सिर्फ एक ही सलाइन और एक यूरिन सैंपल इकट्ठा किया और उनके टोटल पॉइंट्स है सिर्फ 20। नहीं वो हमारे बुलेट्स खत्म हो गए थे, नहीं तो वो हम लोग पूरा कलेक्ट कर रहे थे। नहीं वेस्ट नहीं किए, हमारे एरिया में सामान ही नहीं था, क्या कलेक्ट करते हम, था ही नहीं। टीम ब्लू ने कलेक्ट किए हैं 4 मास्क, एक मेडिसिन की पत्ती, एक बायोहजार्ड बॉटल और बायोहजार्ड गैस लीक को रोका भी है। तो इतना सब करने के बाद इनके 20 और हमारे 100 हुए। सो क्लियरली इस पूरे के पूरे चैलेंज का एक ही विनर है टीम ब्लू। आज मेरे साथ मेरी ब्लू टीम में चानी मैम, हमारे एम्स के कुछ फ्रेंड्स, हम मिलके खेल रहे थे प्रियांश और उसके फ्यूचर एजुकेशन के लिए, एंड एज विनर्स प्रियांश को मिलता है 50,000 का चेक फॉर हिज फ्यूचर एजुकेशन। कांग्रेचुलेशंस प्रियांश, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ये लो। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। पढ़ाई पे ही यूज करना, पढ़ाई पे ही यूज होगा। टीम ब्लू विंस अगेन, हम भी जीतेंगे नेक्स्ट टाइम। और गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अन एकेडमी स्पॉटलाइट। लेट्स क्रैक इट।